हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में डाटा एंट्री का वर्क कैसे करें। 9 कॉलम्स को यहाँ पर जिसमें हमारा डाटा एंट्री का वर्क होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो आपने शिफ्ट की को होल्ड करना है, तो राइट एरो की आपने प्रेस करनी है 9 टाइम्स। जो सेलेक्टेड एरिया है उसको हमने क्या करना है, मर्ज इन सेंटर। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिखेंगे डाटा एंट्री वर्क, तो ये हमने लिख दिया डाटा एंट्री वर्क। अब यहाँ पर हमारे जो डिटेल्स हमको देनी है उसकी इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर ले लिया फर्स्ट, देन आपको लेना है यहाँ पर नेम, नेक्स्ट है आपका फादर नेम, नेक्स्ट हो गया मदर नेम, नेक्स्ट हो गया एड्रेस, उसके बाद है आपका पिन कोड, नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, नेक्स्ट है आपका आधार नंबर, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, नेक्स्ट है पैन नंबर। जो कॉलम्स हैं हमने लिए हुए हैं, तो इसमें जो हमने डेटा टाइप किया हुआ है तो ये क्या है, फिक्स नहीं हो रहा कॉलम पे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन आपने यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये आपने फिक्स कर देने हैं इस तरीके से। अगर आपने इसको और इंक्रीज करना है इनका साइज को, आप सबको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, देन आपने जो ये आपके कॉलम्स दिख रहे हैं इनके जो ये लाइंस हैं इसमें आपने ले जाना है कर्सर को, तो देन आपका इस तरह का साइन, एक प्लस का साइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो आपने इसको इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है इसका साइज जितना भी आपको चाहिए। तो ये सारे जितने भी आपके कॉलम्स हैं उन सभी में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है अपने सारे टॉपिक्स को, यहाँ पर इनको आप सेंटर कर लेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे। अगर इसका साइज आपने इंक्रीज करना है तो आप साइज भी यहाँ पर इंक्रीज इस तरह से कर लेंगे। सीरियल नंबर का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जो टॉपिक्स है उसका भी साइज हम यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं और उसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई कलर अगर यूज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर्स जो हमने टॉपिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कोई भी कलर्स को इस तरह से ले सकते हैं। और देन आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से फॉन्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। सीरियल नंबर जो हमने नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब टॉपिक्स, तो इनको भी अगर आपने क्या करना है, कोई बैकग्राउंड कलर्स यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है, आपने टॉपिक्स वाले में क्लिक करना है, तो शिफ्ट की को होल्ड करना है, देन आपने डाउन एरो की को प्रेस करना है, तो जितना भी आपका डेटा है आप एक अनुमानित जो डेटा आपका है उसके आधार पर आप इतनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी एक डाटा एंट्री की एक सीट यहाँ पर बन गई है गाइज। अब हमको क्या करना है, एक फॉर्म इसका क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम डाटा एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए एक ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे आएगा, आपने किसी का नेम टाइप किया तो आपका ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर वहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो जितना आप डेटा टाइप करेंगे उतनी आपके सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो बी कॉलम के लिए हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, देन हमने यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन दिया, डबल इन्वर्टर कॉमा आपने यूज करना है दो बार ब्लैंक करके। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर B3 कॉलम जो है अगर नॉट इक्वल है किसके, ब्लैंक के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रो का फॉर्मूला दिया जाएगा यहाँ पर। तो रो का हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया, तो रो के लिए कंडीशन किसके लिए होगी, फर्स्ट वाले रो के लिए, तो फर्स्ट वाले रो को हम यहाँ पर तभी ये इसको सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं तो अगर हम इसको यहाँ से देंगे तो ये सीधे 3 कर देगा, 3 से स्टार्टिंग होगी। तो हम इसको कहाँ से देंगे, फर्स्ट से देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, तो फर्स्ट वाले रो को हमने सेलेक्ट किया था, देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा करना है, कॉमा करके आपने क्या करना है, अगर ये B3 नॉट इक्वल नहीं होता किसके, ब्लैंक के, तो उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लैंक का साइन आपने डबल इंटर कॉमा स्टार्ट करना है और डबल इंटर कॉमा आपने क्लोज भी कर देना है, ब्लैंक, देन आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन एंटर कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर एक
रो के लिए कंडीशन दे दिए, इसको इस फॉर्मूला को आप जितना भी आपका डेटा यहाँ पर सेलेक्ट किया आपने, जो फॉर्मेट आपने लिया हुआ है उतने फॉर्मेट तक आपने इसको ड्रैग कर देना है। तो ये कंडीशन आपकी जितना भी आपने फॉर्मेट लिया हुआ है उसमें पूरा अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर से अगर हम कोई भी डेटा में खाली फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जैसे कोई नेम टाइप किया, दीपक कर दिया, तो मैंने यहाँ पर दीपक टाइप किया तो सीधे यहाँ पर क्या आ गया, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम करूँ मोहन, तो देन यहाँ पर भी सीरियल नंबर आ गया। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पर डेटा एंट्री का वर्क करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्म ऑप्शन का यूज करना है। तो फॉर्म ऑप्शन पहले हम इसको ऑन करेंगे, तो फॉर्म ऑप्शन आपके कहाँ पर आएगा गाइस, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आपके फॉर्म ऑप्शन शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑफिस बटन है आप उसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे डाउन में आपको क्या दिख रहा है, एक्सेल ऑप्शन दिख रहा है, तो आपने इसमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, कस्टमाइज में आपको यहाँ पर जाना है, चूज कमांड फॉर्म दिख रहा है जो, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। देन आपने क्या करना है, इसमें इसके डाउन एरो की में आपने यहाँ पर ऑल कमांड्स को सेलेक्ट करना है। ऑल कमांड को सेलेक्ट करने के बाद देन आपको कीबोर्ड की एफ की को आपने प्रेस करना है। देन आपने नीचे देखना है कि इसमें कहाँ पर हमारा फॉर्म टूल बार है, तो डाउन एरो की से मैं चेक कर रहा हूँ कि फॉर्म ये है गाइस, फॉर्म, तो फॉर्म आपका ये है, इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ। तो ऐड करने से ये ऑप्शन कहाँ आ गया आपका, सेव अंडो एंड रेडो के जस्ट नीचे आ गया। तो ये कहाँ चलेगी आपका, क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, ये आपका यहाँ पर आ गया गाइस। देन आपने क्या कर देना है, इसको ओके कर देना, तो ये टूल बार देखो गाइस यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस जो आपको डिटेल्स देनी है, नेम, फादर नेम, जो भी आपको टॉपिक्स हैं, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है सीरियल नंबर को छोड़ के, बाकी आपने सारा डेटा को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने फॉर्म में क्लिक करने के बाद देन आपने ओके कर देना है, तो ये फॉर्म आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया है, जिसमें आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंड अकाउंट नंबर, पेन नंबर, ये सभी डिटेल्स आ गए। तो गाइस हम डेटा टाइप करके देखते हैं, जैसे मैंने दीपक कर दिया, तो फादर नेम हमने कर दिया यहाँ पर मुकेश, मदर नेम में हमने कर दिया यहाँ पर पूजा, हमने एड्रेस टाइप कर दिया अल्मोड़ा, नेक्स्ट पिन कोड यहाँ पर दे दिया मैंने, मोबाइल नंबर दे दिया, नेक्स्ट क्या है, आधार नंबर, मैंने अकाउंट नंबर की डिटेल यहाँ पर दे देते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पैन कार्ड, तो ये एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दे दिया। देन आपने क्या करना है, ओके कर देना है। तो जैसे ये डिटेल यहाँ पर आई, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है और डिटेल भी यहाँ पर फीड हो गई है। नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं रमेश, नेक्स्ट उसके फादर नेम कर दिया मैंने रवि, मदर नेम कर दिया उसका नेहा, नेक्स्ट एड्रेस कर दिया मैंने उसका हल्द्वानी, नेक्स्ट कर दिया पिन कोड डाल दिया मैंने यहाँ पर, नेक्स्ट मोबाइल नंबर भी डाल दिया, नेक्स्ट आधार नंबर डाल दिया मैंने, नेक्स्ट क्या अकाउंट नंबर, नेक्स्ट पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे हम। तो इस तरह से ये डेटा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है गाइस, फिट होते जा रहा है, इसको आप क्लोज कर देंगे। देन आपको जब भी इसमें कोई भी एंट्री करनी है, तो आपने क्या करना है, सीट में आना है, तो आप जहाँ पर भी, जहाँ से भी आपकी स्टार्टिंग है, तो उस रूम में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन आप क्या कर देंगे, इसमें क्लिक करेंगे, तो आपका सीधे न्यू में आपने क्लिक करना है, तो आपने न्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डाटा एंट्री का वर्क एक्सेल में कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ आधार नंबर में, और यहाँ पर क्या है, एक प्लस का साइन आ रहा है, नंबर पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो भी आप कॉलम में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने क्या करना है, कंट्रोल वन प्रेस करना है। कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद आपको फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आपको जो डेसिमल प्लेसेस हैं इनको आपने जीरो कर देना है, देन आपने ओके कर देना है, तो ये आपके नंबर्स ओके हो जाएंगे गाइस। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।